Very good morning students, welcome to online class of Shreya Dhawalav Academy. Today I am going to start exercise 3.10 of chapter number 3rd, addition, class 3rd. And the topic is rounding number. And rounding number beta dekhiye kya hota hai. Rounding number is not a actual value. Okay, rounding means aapko kuch bhi estimate karke aapko nikalna hai. Fine, to chale ek bar dekhte hai kya hai. If suppose aapko nearest 10. अगर आपको किसी वैल्यू का राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, ठीक है, लाइक 34, ओके 34 देखिए आप 34 वंस एंड टेंस आपको करना है नियरेस्ट 10, ठीक है. तो आपको बेटा देखना है कि जो नियरेस्ट 10 में आपको 10-10 के गैप पे देखना है कि आपका इसमें 10-10 का गैप आना चाहिए. ये किसके बीच में आ रहा है, 30 और 40. क्यों हमने इसमें सिर्फ 10 का गैप क्यों लिया, बिकॉज ये नियरेस्ट 10 है. हमने इसको 10-10 के गैप पे इसलिए लिया है क्योंकि ये नियरेस्ट 10 है, ठीक है. तो नियरेस्ट 10 में देखिए आप, ये 34 नंबर 30 और 40 के बीच में लाइज करता है, ठीक है. इतनी बात समझ आई. अब आपको बताना है जो 34 है ये किसके नियर होगा, किसके क्लोज है. बेटा अगर आपका ये 34 है ना, अगर ये जो 4 है ये वैल्यू आपकी 5 या 5 से ऊपर, मतलब सुनिए 5 या 5 से ऊपर आ जाए, मींस 5 या अबव 5 आपका आ जाए तो आपको राउंडेड अप करना है, ठीक है. अगर ये 5 से कम आ जाए, नॉट 5 ओनली 5 से कम आ जाए, ओके, तो आपको राउंडेड डाउन करना है, ठीक है. अभी हमारी वैल्यू क्या है, 34 है ना, तो 34 इज लेस देन 5 तो आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा. समझ आई ये बात आपको. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर देखिए 36. अब देखिए 30 और 40, ये जो आपका 36 है किसके बीच में लाइन करता है, आपका 30 और 40. अब आप बताएंगे किसके क्लोजर है 36 is closer to 40. अब बताइए कैसे. अगर मैंने आपको बताया अगर ये नंबर 5 या 5 से ऊपर आ जाए, मींस ये जो सेकंड नंबर वंस प्लेस वाला, अगर ये आपका 5 से, आप सेकंड नंबर को देखेंगे, अगर ये नंबर आपका 5 से अबव आ जाए तो आपका क्या होगा, राउंडेड अप होगा. क्या होगा, राउंडेड अप होगा, ठीक है. तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 40, ठीक है. अब देखिए 35, ठीक है, 35 आल्सो लाइज बिटवीन 30 एंड 40, ठीक है. अब यहाँ पे बेटा क्या आपका आता है 5. अब आप सोचेंगे मैम ये तो बिल्कुल मिड है, ये कहाँ जाएगा, या तो ये अप होगा, अप कैसे होगा, ये डाउन कैसे होगा, हम कैसे एस्टिमेट करना है. ध्यान रखिएगा अगर आपका 5 आ जाए तो 5 में आपको क्या करना होगा, राउंडेड अप करना होगा, ठीक है. 5 में आपको मैंने अभी पहले भी समझाया स्टार्टिंग में, अगर आपको 5 या 5 से ऊपर, ठीक है, 5 या 5 से ऊपर हो जाए तो डोंट गो बैकवर्ड, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, ठीक है. तो आपको अगर उस पर जाएंगे तो आपको क्या जाएगा, 40, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, राउंडेड अप, नियरेस्ट 10 इज 40, ठीक है. देखिए बेटा एक चीज और, अगर इसमें मान लीजिए 3 डिजिट्स आ जाती है, ठीक है, आपको कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है जो मैंने अभी पहले सिखाया, क्या 343 है, ठीक है, वंस एंड टेंस, क्योंकि नियरेस्ट क्या है 10 है, तो 1 और 10 आपको 2 डिजिट लेनी है, वंस एंड टेंस प्लेस वाली. अब आप इसको वही 340 और ये 350 के बीच में लाया करते हैं. देखिए एक बार मैं फिर बताती हूँ कैसे, अगर आपकी 3 डिजिट्स भी आ जाती हैं आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको क्या करना है, सिर्फ वंस और टेंस, क्यों, क्योंकि नियरेस्ट 10 है, तो आपको वंस और टेंस प्लेस जो है ना आपको वही लेना है, ठीक है. और ये किसके बीच में लाया करते हैं, 40 एंड 50, आपने 340 और 350, आपने 3 एज इट इज लिख लिया,
राइट। अब देखिए अभी 43 कहाँ आएगा, 43। अगर ये 43 है जो ये वाला नंबर, देखिए आपने इसको, ये है ना टेंस प्लेस, टेंस वाले में हमें क्या देखना होता है, वंस वाले प्लेस को देखना होता है। अभी देखिए 3 क्या है, 3 इज लेस देन 5, तो आपको क्या हो जाएगा 100 upon 340। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका 348 हो जाता तो 348 में आपको क्या होता है, ये लाइक करता 340 और 350 के बीच में, ठीक है, तो ये आपका हो जाता 350। ओके, आओ अब हम करते नियरेस्ट 100। ओके इट्स, आप देखिए नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 में बेटा क्या होगा, ठीक है नियरेस्ट 100 है। अब आपको वंस प्लेस भी देखना है, 100 भी देखना, सॉरी वंस टेंस और 100 तीनों देखने, ठीक। अब इसमें आपको 100 है ना, 100 में हम कैसे गैप लेंगे बेटा, 100 100 का गैप लेंगे, तो ये अभी कहाँ लाई करता है आपका, आप अभी आप 100 का कर रहे हैं ना, तो आप 100 के प्लेस को देखेंगे, क्योंकि आप किसका कर रहे हैं 100 का, अभी तक आपने 10 का किया तो आप 10s वाला प्लेस देखते थे, अब आप 100 का कर रहे हैं तो आप 100s वाला प्लेस देखेंगे, तो ये आपका वंस टेंस और 100, ठीक है, आप ऐसे देखते हैं ना वंस टेंस और 100। अब देखिए इसमें हम 100 वाला अगर प्लेस देखते हैं बेटा, तो ये देखिए 493 इसके बीच में लाई करता है 400 और 500, ठीक है, ये 400 और 500 के बीच में लाई करता है। अब आपको देखना है ये किसके क्लोजर है, 493 है ना बेटा, आप अभी आपने उसमें वंस वाला प्लेस देखा था कि कौन से नंबर से हमें डिसाइड करना है कहाँ क्या आएगा, अब आपको इसमें टेंस वाला प्लेस देखना है, कौन सा प्लेस देखना है हमें, टेंस वाला। अब देखिए क्या है आपका 93 है, क्या है ये 93 है, मीन्स ये जो है 9 है, मैंने आपको बताया था अगर आपको 5 या 5 से अबव आ जाए तो आपको क्या हो जाएगा, राउंडेड अप हो जाएगा। अगर मान लीजिए बेटा इसी की जगह पर ये 542 होता, ठीक है 542 होता, तो 542 ऑल्सो लाइज बिटवीन 400 एंड 500, राइट। अगर ये प्लेस पे आपका टेंस प्लेस पर, ठीक है, अगर आपका टेंस प्लेस पर मान लीजिए कि क्या है यहाँ पे, टेंस प्लेस पर आपका मोर देन 5 या 5 से ज़्यादा है तो आपको राउंडेड अप करना है। अगर ये लेस देन 5 मीन्स लेस देन 5 है, यानी यहाँ पे आपका 4 है, तो आपको राउंडेड डाउन करना है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप एनी टाइम उससे पूछ सकते हैं, राइट। तो आप इसको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी और इसके अच्छे समझे, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, फाइन। तो ये था आपको राउंडेड 100। अब देखिए नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ 339, ठीक है, एंड 339 मान लीजिए, ठीक है 339 आपका देखिएगा ये किसके बीच में लाया करता है, 3 है तो 300 और 400 के बीच में, ठीक है। नंबर आपका कहाँ आता है बेटा, काउंटिंग में 3 और 400 के तो बीच में आएगा, ठीक है। तो फिर आपको देखिए आपने 100 है तो आपको टेंस वाला प्लेस देखना है, आपका ये क्या है बेटा 3 है, ठीक है, अरे 3 है तो आपका लेस देन 5 है, तो ये राउंडेड डाउन हो जाएगा 300, ठीक है। देखिए बेटा अब है नियरेस्ट 1000, ठीक है, अभी तक आपने टेंस किया, नियरेस्ट 100 किया, अब आपको नियरेस्ट 1000 देखना है, फाइन। देखिए अब 1000 में आपको क्या करना होगा, वंस टेंस 100 1000, ठीक है 1000 प्लेस है, यानी 4934 किसके बीच में बेटा लाइक करता है, 4000 है ना, तो आपको 1000 का गैप लेना है, एंड 5000, समझ आया, 4000 एंड 5000। अब देखिए बेटा 4000 है तो आपको कैसे, 4934, अब मैंने आपको बताया था वंस वाला, अब आप जब टेंस वाला कर रहे थे आप वंस वाला प्लेस देख रहे थे, 100 वाला किया तो आपने टेंस वाला प्लेस देखा, अब आप 1000 वाला कर रहे हैं तो उसके साइड में कौन सा प्लेस है, 100, तो डिजिट इज 9, ठीक है।
देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर ये 5 या 5 से अबव है, 5 या 5 से अबव है, तो अब ये देखिए 9 क्या है, मोर देन 5 है ना बेटा, तो 5 से अबव वाले को हमें क्या करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, राउंडेड अप करना होगा, मींस आपको ये 5000 पे लाना होगा। आप एक बार ऐसे करके यहाँ रफ साइड में देख लीजिएगा कि नंबर किसके बीच में लाई करता है, नंबर जब लाई करता है उसके साइड वाला आपको नंबर देखना है। अगर आप टेंस कर रहे हैं, बार बार मैं एक चीज को रिपीट कर रही हूँ, अगर आप टेंस कर रहे हैं तो आप वंस वाला प्लेस देखेंगे, अगर आप 100 कर रहे हैं तो टेंस वाला प्लेस देखेंगे, 1000 कर रहे हैं तो आप 100 वाला प्लेस देखेंगे। 100 वाले में आपका नंबर डिजिट है 9, ठीक है, 9 इज मोर देन 5, तो आपका क्या हो जाएगा, राउंडेड अप करते हैं तो आपका 5000 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 3, 4, 2, 5, ये 3000 और 4000, ठीक है, 3000 4000 के बीच में लाई करते हैं, ये आपके डिजिट है 4, ठीक है, आपके कौन से प्लेस पर, 1000 प्लेस कर रहे हैं तो 100 प्लेस पर भी 4 डिजिट है, तो आपको 4 पर क्या देखेंगे, लेस देन 5 है ना, तो आपका हो जाएगा ये 3000। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या सीखा, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10, 100 and 1000, ठीक है। अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, ओके। देखिए बेटा एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एस्टिमेट ईच सम टू नियरेस्ट 10, आपको एस्टिमेट करना है ये नियरेस्ट 10 के, ठीक है। तो देखिए 84 10 है ना, तो 84 राइज बिटवीन 80 and 90, वंस प्लेस पे देखिए दिस इज लेस देन 5, तो आपको क्या हो जाएगा 80, ठीक है। इसी के साथ आपका 86 इज क्लोजर टू 90, ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सभी क्वेश्चन में इसमें आपको यही करना है। देखिए बी पार्ट देखते हैं, ठीक है, 97 and 84, तो 97 lies between 1900 and 7 है तो आपका अप हो जाएगा, यानी 100 पे चला जाएगा, ये क्लोज है किसके, 100 के। 84 lies between 80 and 90, 4 है, 4 is 84 है ना, तो 84 is closer to आपका क्या आएगा यहाँ 80, राइट, आया समझ आपको, ठीक है। अब आप लोगों ने नियरेस्ट 10 किया, अब नियरेस्ट 100, देखिए बेटा अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें आपको नियरेस्ट 100 करना है, राइट। तो देखिए आपका क्या है, 316 है, 316 किसके बीच में लाई करता है आपका 300 और 400 के, ये आपको क्या है 1 है, तो इसका मतलब हम राउंडिंग डाउन करेंगे तो ये किसके क्लोजर आ रहा है 300 के, राइट। अब देखिए 845 है तो आपको 800 and 900, और ये आपका क्या है 4 है, इट मीन्स 5 से अबव वाला होता तो हम यहाँ जाते हैं, 5 से कम है तो आपका यहाँ आ गया, ठीक है। ये देखिए 215 plus 486, अब बेटा देखिए 215 है ना, तो 215 आपका कहाँ जाएगा, 215 है तो आपका 200, और 486 है ना, 486 400-500 के बीच में आता है, अब 5 है तो 500, राइट, ओके, समझ आया। देखिए बेटा अब हम करेंगे नियरेस्ट 1000, कुछ नहीं है, आपको मैंने पहले समझा दिया, अब उन दो नंबरों को ऐड करना, ठीक है, दो नंबर्स जो आपके आएंगे उनको ऐड करना है, 285 यानी किसके बीच में लाई करता है, किसके बीच में लाई करता है 4000 and 5000, ठीक है, और नंबर आपका 2 है, 2 है तो आपका कहाँ आ जाएगा 4000, ठीक है,
और देखिए 1683 किसके बीच में लाइक करेगा ये 1000 एंड 2000। अब देखिए ये 6 है, ठीक है, मोर देन 5 चला गया, 6 है ना, तो आप 2000 राइट, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। सो ये था आपका नियरेस्ट 1000। ओके तो बेटा ये था आपका 3.10। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।